18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ जो आ रही है जयपुर से। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में नई लाइब्रेरी के उद्घाटन से विवाद से जुड़ी यह खबर है। यूनिवर्सिटी महासचिव अरविंद जाजड़ा ने लाइब्रेरी का ताला तोड़ा। लाइब्रेरी का ताला तोड़कर गेट पर नारियल भी यहां पर तोड़ा गया है। तो खबर आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नई लाइब्रेरी से जुड़ा जो विवाद था, महासचिव अरविंद जाजड़ा ने ताला तोड़ा है। लाइब्रेरी का ताला तोड़कर गेट पर नारियल फोड़ा, शुभारंभ कर दिया। देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ललित हमारे सहयोगी की ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए। ललित, क्या था ये पूरा मामला, जरा बताएं। जी बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय की जो नई लाइब्रेरी है, तकरीबन 6 साल का समय हो चुका। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये लाइब्रेरी पिछले 2 साल से बनकर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उद्घाटन का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव अरविंद जाजड़ा ने लाइब्रेरी का ताला तोड़ा है, विधिवत रूप से वहां पर पूजा की है, नारियल फोड़ा है और अगरबत्ती जलाई है। इसके साथ ही अंदर लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया है। अरविंद जाजड़ा मेरे साथ मौजूद है। अरविंद, पहले भी आपने एक बार उद्घाटन किया था, जैसे ही पद संभाला था, आज फिर से उद्घाटन किया है, क्या वजह रही? देखिए, जब पद संभाला था उसके दिन हमारे यही प्रमुख मांगे थी कि लाइब्रेरी को जल्द से जल्द चालू की जाए। उसको मद्देनजर रखते हुए लाइब्रेरी को बने हुए 2 साल हो गए और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन ने इसको ओपन नहीं कर रहा था, तब यहाँ जाके लाइब्रेरी का ताला तोड़ा और वापस ऑफिशियल तौर से ये चालू करना चाह रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी 5 तारीख दे रहे हैं, कभी 9 तारीख दे रहे हैं, यहाँ तैयारियाँ हो जाती है तब जाके लाइब्रेरी का उद्घाटन करने से वो मना कर देते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वापस विधिवत तरीके से बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके नारियल फोड़ के और अगरबत्ती करके लाइब्रेरी का ताला तोड़ा गया। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इन कुर्सियों को ऊंदरे खा रहे हैं, बहुत गंदा हालत है। यहाँ पे जो छत है उनमें सीलन आने लगी, 2 साल का टाइम हुआ अभी बनने में। 6 वर्ष पहले इस लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ था बनने के लिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये स्थिति है कि लाइब्रेरी को बैठने के लिए। अरविंद, ये लाइब्रेरी काफी छोटी पड़ रही है, नई लाइब्रेरी को बना हुआ इतना साल हो गए, लेकिन सिर्फ उद्घाटन के पेज की वजह से ही मामला अटका हुआ है, छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बिल्कुल, छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। यहाँ पे कुर्सियों की व्यवस्था बैठने और पढ़ने के लिए की है, लेकिन डिजिटल का भी कोई प्रारूप नहीं दिया। लेकिन ये निर्धारित है कि लाइब्रेरी के अंदर बैठने के लिए एक बार चलू तो की जाए, डिजिटलाइजेशन होता रहेगा। छात्र बाहर अपनी 1000-1200 रुपये मंथली दे के पढ़ाई कर रहे हैं, नियमित रूप से यहाँ लाइब्रेरी को चालू किया जाए। और लाइब्रेरी, हम तो आज से ही विद्यार्थियों से आह्वान करते हैं कि आप लाइब्रेरी में नियमित रूप से आप पढ़ाई कीजिए, ये बात है। आशीष, आपने देखा कि किस प्रकार से ये वो सेंट्रल लाइब्रेरी है जो यहाँ पर बनके तैयार है। तकरीबन 2 साल का समय हो चुका है। 6 साल पहले जो कल्याण सिंह है राज्यपाल, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और उस समय जो उच्च शिक्षा मंत्री थे वे कालीचरण सराफ थे। लगभग 2 साल पहले ये लाइब्रेरी बनकर पूरी तैयार हो गई है। इसके जस्ट पीछे जो पुरानी लाइब्रेरी है वह है, लेकिन वहाँ पर अब जगह है वह बहुत कम पड़ने लग गई है। इसको डिजिटल लाइब्रेरी करने की घोषणा की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेंट्रल लाइब्रेरी इसको नाम दिया गया था। इसके साथ ही अब जो लगातार छात्रों में आक्रोश है वह देखने को मिल रहा है। 1 बजे महासंघ अध्यक्ष जो निर्मल चौधरी हैं, उनके द्वारा भी इस लाइब्रेरी का यहाँ पर हवन करके विधिवत उद्घाटन का चेतावनी है वह उन्होंने दी है। लेकिन उससे पहले ही जो छात्र संघ महासचिव हैं अरविंद जाजड़ा, उन्होंने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया है। जब चुनाव हुए थे, छात्र संघ के चुनाव, उसके बाद पद संभालने के बाद पहला काम भी अरविंद जाजड़ा ने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन ही किया था। जी आशीष, बहुत शुक्रिया ललित इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी ललित ने बताया कि आखिर 2 साल ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।